12 अगस्त को दुनिया के कई हिस्सों में ईद अल अजहा का जश्न मनाया गया। वहीं कोटा में अलग अलग जगहों पर बकरीद मनाया गया। कहा जाता है कि ईद उल फितर के करीब 2 महीने और 10 दिन यानी कुल 70 दिन बाद ईद उल जुहा या ईद अल अजहा का त्योहार मनाया जाता है। ईद उल जुहा को बकरीद भी कहा जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से यह त्योहार हर साल जिलहिज के महीने में आता है। अंग्रेजी कैलेंडर की तुलना इस्लामिक कैलेंडर थोड़ा छोटा होता है, इसमें 11 दिन कम माने जाते हैं। मुस्लिम समुदाय में ईद उल फितर की तरह ईद को भी अहम माना जाता है। ये ईद मुसलमानों के पैगंबर और हजरत मोहम्मद के पूर्वज हजरत इब्राहिम की कुर्बानी को याद करने के लिए मनाई जाती है। मुसलमानों का विश्वास है कि अल्लाह ने इब्राहिम की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मांगी थी। इब्राहिम ने अपने जवान बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का फैसला कर लिया, लेकिन वो जैसे ही अपने बेटे को कुर्बान करने वाले थे, अल्लाह ने उनकी जगह एक दूबे को रख दिया। अल्लाह सिर्फ उनकी परीक्षा ले रहे थे। जो लोग घर पर बकरे पालते हैं वे ईद अल अजहा के दिन अपने प्रिय बकरे की कुर्बानी देते हैं, लेकिन जिन लोगों के घर में बकरे नहीं पालते वे ईद से कुछ दिन पहले बकरा खरीद लेते हैं। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह की नमाज पढ़ते हैं, इसके बाद बकरे की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी के बाद बकरे के मीट के 3 हिस्से किए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों को जाता है, दूसरा रिश्तेदारों को और तीसरा हिस्सा अपने लिए रखा जाता है। सबसे पहले मैं सर्वासियों को दोनों त्यौहार के मौके पर धन्यवाद देता हूँ। बकरीद सावन और दोनों त्यौहारों को सब मिलकर आपस में अच्छे से मनाएं, खुशी से मनाएं, ये मेरा शुभकामना है। आज बकरीद है और सावन का अंतिम सोमवारी भी, ऐसे में समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सर्वासियों को दोनों त्यौहारों को जैसे बकरीद सावन दोनों को मैं धन्यवाद देता हूँ। वज्रपात से घटनास्थल पर एक युवक की मौत। पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के लीलादा गांव के 37 वर्षीय गणेश्वर मंडल की मौत वज्रपात से हो गई। घटना रविवार देर शाम 5 बजे की बताई जा रही है। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि मृतक अपने खेत में काम कर रहा था, उसी क्रम में हल्की बारिश के दौरान वज्रपात हुआ और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण एवं परिजन दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक मौके पर उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक अपने पीछे पत्नी और 4 बच्चों को छोड़ गया है। नाम आपका? मेरा नाम जयराम सा। ये जो मृतक है आप इनके कौन हुए भाई? क्या हुआ था? वो तड़का गिरा था। कब? कल 2 बजे, 1 से 2 बजे के बीच। कहाँ पे? लीलादा का बयार में, पड़ैया प्रखंड। गनवर प्रसाद साह। क्या बोले? गनवर प्रसाद साह। कितना बेटा बेटी? एक बड़ी लड़की है करीब 13 साल का और 3 लड़का है उससे छोटा सा। चौबीस घंटे से मृतक की पत्नी से पुलिस कर रही है पूछताछ। पोड़ैयाहाट देवदाण थाना क्षेत्र के परगोडी गांव निवासी शिक्षक आनंदलाल साह 50 वर्षीय की हत्या के बाद मृतक की पत्नी भाभी देवी से 24 घंटे से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस मामले पर थाना प्रभारी संजय जनक मूर्ति ने बताया कि मृतक की पत्नी से पूछताछ के दौरान कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं। जल्द ही हत्या के आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करेगी और बहुत जल्द पुलिस हत्या का खुलासा कर देने की बात कह रही है। बता दें कि शनिवार देर रात आनंदलाल साह की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद SDPO अरविंद कुमार, पोड़ैयाहाट थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, देवडाण थाना प्रभारी संजय जनक मूर्ति घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक की पत्नी को हिरासत में लिया। जो देरी होगा दिक्कत होगी ना। चले 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 साइड हो जाए। सावन के पवित्र महीने के अंतिम सोमवार को भोर से ही बाबा रत्नेश्वर नाथ शिवालयों में गूंज उठा ओम नमः शिवाय। भक्तों ने किया जलाभिषेक। बिहार के भागलपुर जिला स्थित उत्तर वाहिनी गंगा जी से जल भरकर गोड्डा जिला के शिवपुर मोहल्ले में स्थित बाबा रत्नेश्वर नाथ की मंदिर है। सावन माह के पवित्र महीने अंतिम सोमवार को भोलेनाथ को रिझाने के लिए शिवालय में 4 बजे भोर से ही 25 से 30 हजार श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सभी ने भोले शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अत्यंत प्रिय भांग धतूरा चढ़ाकर भक्तों ने अपनी मुराद की अर्जी लगाई। भोले की भक्ति का यह नजारा देश के हर शिवालय में देखने को मिला।
बाबा रत्नेश्वर धाम मंदिर में विभिन्न स्थानों से काफी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण आए थे। स्थानीय लोगों के अलावा बिहारी लोगों के लिए भी बाबा रत्नेश्वर धाम शिव मंदिर आस्था का केंद्र है। लोगों का मानना है कि बाबा रत्नेश्वर धाम शिव मंदिर में जो भक्त मन्नत मांगता है उसे भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरा करते हैं। चारों तरफ बम बम भोले की जयकारे लग रहे हैं और बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। फर्स्ट सोमवारी में क्या अंतर है? आज कितने बजे से लगे हुए हैं? कितने लोग आए होंगे? लगभग हजार लमसम जरूर आए होंगे, यहाँ सुपरियों का नीचे हो सकता है। सेवा करके इसका ऐसा कोई आनंद ही नहीं है, इसका क्या हम बताएं? सेवा ऐसा कोई आनंद नहीं है, सबसे बड़ा धर्म यही है, सेवा से बड़ा कोई आनंद नहीं है। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम विश्वनाथ घर नगर कोटा। मैं तो बताऊंगा।